ओम शांति 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 तो यहाँ पर देखा कि विधि विधान से संपन्न पूजा पूरी विधि विधान के साथ है, जो कि शिलान्यास की पूजा हुई है और अब आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जा रहे हैं। स्पीकर ओम प्रकाश बिरला इस वक्त हमारे साथ, आप देखिए स्क्रीन पर सामने वो भी दिखाई दें। आनंद जी, जिस तरह से पूजा समाप्त की गई है और जिस तरह से पूजा हुई है और भूमि पूजन हम लोगों ने शायद अपने जीवन में कई बार देखा हुआ, लेकिन शायद संसद भवन के लिए भूमि पूजन हम सबके लिए तो शायद पहला है ये मौका। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से, और हम सब के लिए नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रोमांचित करने वाला मौका है ये, क्योंकि ऐसे मौके इसके पहले हमने देखा था इतनी तल्लीनता से, जब राम मंदिर का शिलान्यास आधारशिला रखी थी मोदी जी ने, तब हमने उनको देखा था और इसके बाद अब हम उनको देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये तो बहुत बहुत ही पहला मौका है, ना सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी इस तरह से ये चीज़ देखना। बिल्कुल, और अभी आप देखिए हरदीप पुरी वो भी एक तरह से इस पूजा में शरीक हो रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है और इस पूरे प्रोजेक्ट को उनके मिनिस्ट्री के मातहत ही अंजाम दिया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम प्रकाश बिरला, उसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जी सब मौजूद हैं और अब जिसे कहते हैं प्लेक लगाने की परिपाटी है और यहाँ पर शिलान्यास के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और एक लंबा विस्तृत कार्यक्रम है। आप देखिए रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और कानून मंत्री और तमाम अन्य मंत्रीगण और साथ ही साथ दूसरे देशों के राजनयिक भी इस मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक परिपाटी और परंपरा में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने लिए एक अलग से एक नया संसद भवन स्थापित किया है। आमतौर पर पुरानी किसी इमारत को या जहां पर पहले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही हो वहीं पर संसद को स्थापित किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वहीं से आगे बात की जाए, और तकरीबन बीते 75 साल तक हिंदुस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया और अनावरण अभी आप देख रहे हैं जिस पर अंकित लोकसभा का 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ अनावरण कर दिया और इसके साथ ही अब औपचारिक समारोह भी शुरू होगा जिसमें विभिन्न नेताओं का संबोधन आज है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद जी, अगर हम देखें तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था और सुमित्रा महाजन जी से, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है और आज भी उठाया जा रहा है जब हम नए संसद भवन के शिलान्यास की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मानते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों आपको लगता है कि आज एक नए संसद भवन के साथ ही हम एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं? देखिए अजय, मुझे सबसे बड़ी बात तो आप अगर नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली देखेंगे तो वो किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करते, वो कोई भी समस्या को पेंडिंग नहीं रखते, वो उसको सुलझाना चाहते हैं। आप लगातार उनके पिछले 5-6 साल का आप अगर कार्यकाल देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब ये जो नई संसद की बात चल रही है, देखिए हमारा संविधान कहता है कि 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उस पर एक सांसद होना चाहिए। तो इस लिहाज से तो आज के दौर में भी जबकि हम 125 के आसपास 125 करोड़ के आसपास खड़े हुए हैं अजय, तो भी हमारे यहां कम से कम 1300 के आसपास सांसद होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। और इसकी एक लंबा इसका टेक्निकल इसका पूरा मामला है, क्योंकि संविधान की आर्टिकल जो 81 है वो ये भी कहता है कि 550 से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये दो बातें हैं। इसके बाद आप इसको पूरे को अगर आप पूरे मामले को देखेंगे तो देखिए हमारे यहां सबसे पहले जब 52 के इलेक्शन हुए तो 489 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो संख्या बाद में बढ़कर फिर 520 हुई 67 में, और उसके बाद फिर वो बढ़कर एक
बार 543 हुई 77 में, लेकिन 77 के बाद जो परिसीमन हो रहा है, लेकिन परिसीमन में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बात निकली उस टाइम की, देखिए 70 में हमारे यहाँ एक मुहिम चली थी पूरी फैमिली प्लानिंग की, तो उसमें ये निकल के आया कि जो साउथ के जो स्टेट थे वहाँ फैमिली प्लानिंग को काफ़ी तवज्जो दी गई और वहाँ पर उसका असर देखने को आया, लेकिन जो हमारे साउथ के स्टेट थे, नॉर्थ के स्टेट थे, वहाँ ऐसा देखने में नहीं आया और यहाँ लगातार पॉपुलेशन बढ़ती रही। तो फिर बात निकल के ये आई कि अगर वहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो फिर तो एक इम्बैलेंस है ना, तो फिर ये कहा गया कि क्या किया जाए। तो एक ये निकल के अभी यथास्थिति रहने दी जाए और 71 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर ही सब कुछ किया जाए, उस पर रोक लग गई। 2002 में फिर से एक बार ये रोक लगी और 2026 तक वो बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सरकार को देखना होगा और उस समस्या को, जैसा मैंने आपको प्रतिनिधित्व को भी एक अलग मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान में किसी भी देश में जहां तक मेरी जानकारी है शायद 6 लाख 6.5 लाख या 7 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन को एक आदमी एक जनप्रतिनिधि आवाज नहीं देता है। हमारे यहाँ ये संख्या करीब करीब 25 लाख है, एवरेज बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी कुछ जगह पे तो और बहुत अलग इसलिए भी है क्योंकि हमारी आबादी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रही है, इसमें शायद हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य अब यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद।